हेलो दोस्तों, आज फिर से एक बार नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉकों पर डिस्कस करने वाले हैं जिसमें अभी तक दोस्तों हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से मुनाफा दिया है। दोस्तों बात करें जब स्टॉक के प्राइस हमें ओनली 100 रुपये के आप उसमें ट्रेड करते हुए देखने को मिला था, वहां से आप लोग को वीडियो बनाकर डिस्कस किया था दोस्तों इस स्टॉक में हमें खरीदारी करना चाहिए, फ्यूचर में इसका प्राइस हमें 300 भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। और दोस्तों इस स्टॉक का प्राइस हमें आजकल 300 के क्रॉस करके काफ़ी आगे जाते हुए देखने को मिल रहा है। और दोस्तों फ्यूचर में इस स्टॉक में भी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें रैली देखने को मिलेगा। हालांकि अभी तक जिसने भी हमारे वीडियो को फॉलो किया होगा उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से इस स्टॉक ने मुनाफा दिया है और दोस्तों आगे भी इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें रैली देखने को मिल सकता है। तो चलिए इस स्टॉक से हम सारे इन्फॉर्मेशन एक बार देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पहले एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो पिछले ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में यहाँ पे हमें 1% से अबव का मुनाफा देखने को मिला जो कि अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि बात करें पिछले 6 मंथ का इसका प्राइस का ग्राफ का, तो पिछले 6 मंथ में इस स्टॉक ने जबरदस्त तरीके से मुनाफा दिया है जो कि आप लोग के सामने में है। और दोस्तों बात करें पिछले 1 साल का इसका प्राइस का ग्राफ का, तो पिछले 1 साल में इस स्टॉक ने 100% से अबव का मुनाफा दिया है जो कि एवी फिगर अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि दोस्तों बीच-बीच में इस स्टॉक में थोड़ा बहुत हमें यहां पे करेक्शन देखने को मिला था, वहां पे आप लोगों को वीडियो बनाकर हमने डिस्कस किया था दोस्तों इस स्टॉक में हमें खरीदारी करना चाहिए, फ्यूचर में इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें रैली देखने को मिलेगा। और आप लोग के सामने में कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे रैली स्टॉक किया है। हालांकि फ्यूचर में इसका प्राइस हमें 500 के भी क्रॉस करके आगे जाती हुई देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, स्टॉक अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है, अभी तक में बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से मुनाफा दिया है दोस्तों। और दोस्तों बात करेंगे पिछले 5 ईयर का इसका प्राइस का ग्राफ का, तो पिछले 5 ईयर में इस स्टॉक में जबरदस्त तरीके से यहाँ पे हमें मुनाफा का फिगर देखने को मिल रहा है जो कि आप लोग के सामने में है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो सबसे अधिक दिनों में इस स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से मुनाफा का फिगर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, काफी जबरदस्त है। और यहाँ पे जबरदस्त तरीके से हमें रैली देखने को मिल रहा है जिसके वजह से फ्यूचर में इसका प्राइस हमें 500 के भी क्रॉस करके आगे जाती हुई देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इसके ऊपर फोकस बना के रखो। हालांकि एवरी गिरावट में हमने आप लोग को वीडियो बनाकर डिस्कस किया था दोस्तों इस स्टॉक में हमें फोकस बनाकर रखना चाहिए, इसका बिजनेस बहुत स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से फ्यूचर में इसका प्राइस हमें काफी आगे जाती हुई देखने को मिलेगा। और दोस्तों 100 का स्टॉक हमें यहाँ पे 300 रुपए के क्रॉस करके आगे जाती हुई देखने को मिल रहा है। तो आप लोग समझ सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से इस स्टॉक ने मुनाफा दिया है। हालांकि यहाँ पे देख सकते हो मैं आप लोग से डिस्कस कर रहा हूँ इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के रिगार्डिंग, स्टॉक अपने आप में अभी तक जैकपॉट साबित हुआ है और आगे भी इसमें काफी अच्छा खासा हमें रैली यहाँ पे देखने को मिलेगा। दोस्तों इस स्टॉक में खरीदारी भी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 40% के अप्रोक्स में यहाँ पे जबरदस्त तरीके से हमें यहाँ पे डिलीवरी का पोजीशन देखने को मिला है जो कि ये इंडिकेट कर रहा है दोस्तों को हमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में भी काफी अच्छा खासा इसमें हमें रैली देखने को मिलेगा। हालांकि बात करें इसका 52 वीक लो एंड हाई का, तो स्टॉक ओनली हमें 140 के अप्रोक्स में हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिला था पिछले साल, जो कि वहां से इस स्टॉक ने 315 रुपए के अप्रोक्स में यहाँ पे हाई स्टॉक किया है जो कि अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों बात करें फेस वैल्यू का, तो यहाँ पे हमें 1 रुपया देखने को मिल रहा है जो कि हम बात करेंगे इसका क्वार्टर का रिजल्ट का दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हो जून क्वार्टर में कंपनी ने यहाँ पे जबरदस्त तरीके से यहाँ पे क्वार्टरली का यानी कि यहाँ पे दोस्तों जून क्वार्टर में कंपनी ने काफी अच्छा खासा प्रॉफिट शो किया था। हालांकि जब इसका क्वार्टर का हमें रिजल्ट देखने को मिला था वहां पर भी हमने डिस्कस किया था दोस्तों इस स्टॉक में खरीदारी करना चाहिए, इसका क्वार्टर का रिजल्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है जिसके वजह से इस स्टॉक में काफी अच्छा खासा हमें रैली देखने को मिलेगा। और आप लोग के सामने में जबरदस्त तरीके से इस स्टॉक ने अभी तक मुनाफा दिया है। हालांकि बात करेंगे इसका यानी कि इस स्टॉक में दोस्तों प्रमोटर का होल्डिंग का, तो यहाँ पे हमें 38% के आसपास का होल्डिंग देखने को मिल रहा है जो कि ये भी अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों बात करेंगे इस साल का डिविडेंड का, तो यहाँ पे कंपनी एक बार 0.40 इनकी प्रति शेयर यहाँ पे डिविडेंड भी दिया है कंपनी। हालांकि बात करेंगे दोस्तों क्या प्रमोटर का शेयर कोई प्लेस भी है, तो यहाँ पे देख सकते हो कोई प्रमोटर का शेयर हमें यहाँ पे प्लेस नहीं देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है, आप लोग इसके ऊपर फोकस बना के रख सकते हो।
दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो रिजर्व फंड सरप्लस का फिगर भी अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर बात करें पिछले साल के अकॉर्डिंग तो इस साल कंपनी यहाँ पे काफी इंक्रीमेंट के साथ में रिजर्व फंड सरप्लस यहाँ पे फिगर शो किया है जो कि अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग का, तो यहाँ पे पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल कंपनी काफी गिरावट शो किया है यहाँ पे लॉन्ग टर्म यानी कि बोरोइंग में, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। दोस्तों स्टॉक हमें काफी अच्छे खासा देखने को मिल रहा है। और दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग का, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग का फिगर भी पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल शॉर्ट टर्म बोरोइंग में भी यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करेंगे यहाँ पे फिक्स एसेट का, तो फिक्स एसेट का फिगर भी यहाँ पे काफी अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है जो कि आप लोग के सामने में है। दोस्तों स्टॉक हमें फ्यूचर के लिए काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इसका रेवेन्यू का फिगर आप लोग के सामने में है, यहाँ पे काफी अच्छा खासा हमें रेवेन्यू का फिगर देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करेंगे यहाँ पे प्रॉफिट के रिगार्डिंग दोस्तों, तो यहाँ पे प्रॉफिट का फिगर की बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी ऑन ईयर की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें गिरावट ही देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों बात करेंगे सेल्स का, तो यहाँ पे सेल्स का फिगर आप लोग के सामने में यहाँ पे देख सकते हो। अगर बात करेंगे जून क्वार्टर का सेल्स का, तो काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे हमें सेल्स का फिगर देखने को मिल रहा है जो कि आप लोग के सामने में है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो अगर बात करें इस स्टॉक का मार्केट है कैपिटलाइजेशन का, तो यहाँ पे 44,000 करोड़ से अबव का फिगर है जो कि ये भी फिगर अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों बात करेंगे सेक्टर के रेशियो का, तो यहाँ पे 68.13 हमें देखने को मिल रहा है जो कि सेक्टर के रेशियो से इस स्टॉक का रेशियो हमें यहाँ पे काफी हाई देखने को मिल रहा है। हालांकि जिस तरीके से इसका क्वार्टर का रिजल्ट है ये भी अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे इस स्टॉक में एफआई की होल्डिंग है, डीआई की होल्डिंग है, उससे पहले बात करें यहाँ पे दोस्तों प्रमोटर का, तो यहाँ पे भी हमें 38% से एबव का होल्डिंग देखने को मिल रहा है जो कि बात करेंगे एफआई की होल्डिंग का काफी स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों यहाँ पे डीआई की होल्डिंग जबरदस्त तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो कि सारा का सारा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों बात करेंगे रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग का, तो यहाँ पे 17% का होल्डिंग है जो कि कोई अगर बात करें तो ये भी फिगर अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है। तो शेयर होल्डर रिटर्न भी अपने आप में जबरदस्त तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। आप लोग इसके ऊपर फोकस न कर रख सकते हो, स्टॉक फ्यूचर के लिए काफी अच्छा खासा हमें फिलहाल देखने को मिल रहा है। दोस्तों हम बात करेंगे अगर यहां से इस स्टॉक में थोड़ा बहुत हमें करेक्शन देखने को मिलता है तो इसका प्राइस हमें 260 के आसपास में आती हुई देखने को मिलेगा। अदरवाइज फ्यूचर में इसका प्राइस 500 के भी क्रॉस करके आगे जाती हुई देखने को मिल सकता है। आप लोग इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो, स्टॉक हमें अभी तक बहुत अच्छा खासा मुनाफा दिया है और फ्यूचर में भी इसमें काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें रैली देखने को मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हो वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगा है तो प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।